हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉच बिफोर बाय। जैसे आप लोग ने रिसेंटली मेरे चैनल पे जो है आईपैड 10 जनरेशन की जो है वीडियो देखी, जिसको मैंने अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे आज फाइनली इसका जो है स्मार्ट फ्लिप केस भी जो है हमने मंगा लिया है, जो है प्रो इलाइट की तरफ से। इसकी एसेसरीज जो है काफी अच्छी है। अमेजॉन पे जो है 4.3 की इसकी रेटिंग थी, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया। बिकॉज इतने महंगे जो है आईपैड के लिए एक स्मार्ट केस तो बनता है, जहाँ पे ऑटो स्लिप एंड वेक वाला ऑप्शन मिल जाए, वीविंग एंगल के लिए फोल्डेबल हो। तो फटाफट से जो है इसको अनबॉक्स करते और चेकआउट करते हैं कैसी इसकी क्वालिटी। तो यहाँ पे बाहर आ गया है और काफी ज्यादा सॉफ्ट सिलिकॉन है ये, बहुत अच्छा लग रहा है, टेक्सचर काफी अच्छा है, लेकिन फिंगर मार्क्स के निशान भी जो है काफी जल्दी आ रहे हैं इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे अंदर एक जो है स्पंज रखा हुआ है। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखो हनीकॉम पैड डिजाइन है, अंदर सॉफ्ट एकदम फ्लेक्सीबल सिलिकॉन यूज किया हुआ है और क्वालिटी काफी अच्छी प्रीमियम है। यहाँ पे हमें पेंसिल के लिए जो है होल्डर भी देखने के लिए मिल जाता है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे जो है अभी फटाफट से जो हमारे आईपैड को जो है लगा के चेकआउट करते हैं, इसका ऑटो एंड कैसे वर्क कर रहा है और साथ ही साथ जो है हमें कैसे इसके ग्रिप वगैरह देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जो है हमें सारे बटन्स वगैरह के लिए, स्पीकर्स के लिए जो है प्रॉपर पोर्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, चार्जिंग पोर्ट वगैरह के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर कटआउट दिया हुआ है। तो फटाफट से हमारे आईपैड को लगा के चेक करते हैं। तो हमारे आईपैड को मैंने अच्छे से जो है एक सॉफ्ट कपड़े से जो है यहाँ पे क्लीन कर लिया है। ठीक है, तो फटाफट से अभी इसमें लगा देते हैं और चेकआउट करते हैं कि कैसा देखने के लिए मिलता है हमें इसका फिटिंग वगैरह। तो यहाँ पे जो है मैं अभी इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको जो है अच्छे से यहाँ पे जो है फिक्स कर लेता हूँ, साइड्स वगैरह चेक कर लेता हूँ सब प्रॉपर है क्या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ये प्रॉपर अच्छी तरीके से जो है काफी फिटिंग बैठ गई है। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, स्पीकर ग्रिल के लिए और चार्जिंग पोर्ट के लिए जो है प्रॉपर कटआउट दिया हुआ है। यहाँ पे है हमारे वॉल्यूम रॉकर्स जो कि प्रॉपर प्रेस हो रहे हैं। अभी हम जो है एक बार फिजिकली भी जो है सब दबा के चेक करने वाले। लॉक बटन के लिए कटआउट है, स्पीकर ग्रिल्स हैं और बस यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं है। तो अभी ऑटो वेक एंड स्लीप वाला फीचर चेकआउट करते हैं। तो अभी जो है हमारा टैबलेट तो बंद है, जैसे मैं जो इसको वेक करता हूँ ये ओपन हो जाता है, जैसे मैं बंद करता हूँ अंदर जो है स्क्रीन लॉक हो जाती है। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो है जब इसका फ्लिप बंद होगा, कवर बंद होगा, तो हमारी बैटरी भी सेव होगी, अननेसेसरी जो है डिस्प्ले वगैरह चालू नहीं होगा। तो काफी अच्छे तरीके से इसका वेक एंड स्लीप जो है वर्क कर रहा है दोस्तों। और यहाँ पे जो है ना क्वालिटी से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, क्वालिटी काफी अच्छी है। अब इसका जो है दोस्तों ट्राईफोल्ड वाला जो है एंगल चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे स्टैंड वगैरह कैसे हो रहा है या नहीं प्रॉपर। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग ट्राईफोल्ड इसको कर दोगे तो ये आप लोग के लिए जो है वीविंग एंगल स्टैंड का काम करेगा। तो यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से जो है ये स्टैंड हो गया है और जो है बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, एकदम प्रॉपर तरीके से जो इसने इसको होल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे अगर हम जो है कुछ भी हमें काम वगैरह करना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है हिलता डुलता नहीं है। यहाँ पे इस केस की जो है ग्रिप काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड करके रखा है। अब यहाँ पे जो है कुछ हम वीडियो वगैरह प्ले करके देख लेते हैं कैसा लगता है एक्सपीरियंस। तो दोस्तों वीविंग एंगल तो काफ़ी अच्छा है, अगर आप कोई भी मल्टीमीडिया मूवीज या सीरीज कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो आराम से आप इस तरह से इसको जो स्टैंड करके आराम से अपना मल्टीमीडिया एंजॉय कर सकते हो। अब दोस्तों ये स्मार्ट केच इस तरह के एंगल में जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर ही रहा है। इसके अंदर जो है और एक स्टैंड दिया हुआ है जिसको टाइपिंग स्टैंड भी कहा जाता है। बेसिकली आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे ये बन गया आपका टाइपिंग स्टैंड। जी हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा जो है ट्राइपॉड को पीछे ले लेता हूँ तो आपको जो है प्रॉपर व्यू मिल जाएगा इसका। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से फोल्ड हुआ है, इस तरह से फोल्ड हुआ है और साथ ही साथ जो है अभी कुछ टाइप भी करके देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है यहाँ पे हमारा एक टाइपिंग स्टैंड भी बन गया है और सही है। यहाँ पे भी ये जो बिल्कुल जो है पुश वगैरह नहीं हो रहा है, प्रॉपर स्टेबल है। ठीक है, तो नोट्स में लेट्स सपोज कुछ टाइप करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट ये टाइप करके रखा है, फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड येस, काफ़ी अच्छी टाइपिंग यहाँ पे हो रही है दोस्तों। यहाँ पे जो है बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई कीबोर्ड वगैरह पे टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, सो टाइपिंग स्टैंड वाले एंगल में भी जो है प्रॉपर काम कर रहा है और वीविंग एंगल तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, तो काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे। प्रो इलाइट की तरफ से मैंने पहला केस कवर जो है ऑर्डर किया है, ये मुझे मिल गया दोस्तों 499 रुपीज़ में। नॉर्मल टाइम पे जो है 600-700 के बीच में वेरी करता है, बट कोई सेल वगैरह आती है तो 500 के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। 480-500 रुपये इसका जो है ऑन एन एवरेज रेट चलता है, जिसकी क्वालिटी के हिसाब से जो है प्राइस बिल्कुल वर्थ इट है। एकदम सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल यूज़ किया हुआ है और जो है प्रॉपर कटआउट्स वगैरह दिए हैं, पेंसिल होल्डर वगैरह भी है। तो अगर आप लोग को ये ऑर्डर करना है तो इसका अमेजॉन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, सो मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लेना। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।